राम राम। आज हम आप लोगों को एक और ऐसे जड़ी बूटी दिखाएंगे और बताएंगे जो प्रायः आप YouTube पर देखे होंगे या गूगल में सर्च किए होंगे। तो हमने सोचा इस औषधि के बारे में आप लोगों को बता दें, चाहे आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख लिए हो या हमारे जो ग्रुप है छत्तीसगढ़ आयुर्वेद रहस्य ग्रुप जो जुड़े हैं वो वैद्य भाई भी इनको जानते हैं। ये जो पौधे देख रहे हो इसको मुसली बोलते हैं, काली मुसली इसी तरह से होता है। ये देखिए अब इधर ये काला काला, हटा दोगे सफ़ेद दिखेगा, इसको तोड़ोगे, मैं बहुत सारा अभी खोदा हूँ, ये देखिए इस तरह से इसमें होता है और इसमें चिपचिपा होता है। खाने पर जैसे कोई तंबाकू गुटखा नहीं खा रहा हो तो थोड़ा हल्का खुजली करता है, जो सादा रहेगा एकदम उसको थोड़ा खुजली करेगा। इसका एक मैं दो एक प्रयोग आपको अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ। जिस किसी भाइयों को हाइड्रोसिल हो गया हो और हाइड्रोसिल होने के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, लेसिस का टेबलेट या इंजेक्शन एम्पुल वाला लगाते हैं डॉक्टर और पानी निकाल देते हैं, या तो कैथेटर डालकर निकाल देंगे, तो उससे समस्या का समाधान एलोपैथिक में नहीं है। तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि अगर इसको निकाल करके खिला दिया जाए तो ठीक हो जा करके। तो मैंने हमारे गाँव में एक व्यक्ति को हुआ था तो उसको मैंने खिलाया, तो अभी वो स्वस्थ है, ठीक है, तुरंत ठीक होता है। दूसरी बात, बाबा सिर के जैसे बाबा सिर नए नए हो रहा हो, लगभग 6 महीने 7 महीना हो गया हो, साल भर हो गए हो, तो इसको खिला दो, बाबा सिर को तुरंत ठीक कर देता है। दूसरा बात, पेट को भी, जो पेट के अंदर में जो आमाशय में जो गंदगी मल जमा रहता है, हाजमा नहीं होता, उसको भी ये हाजमा करता है। इतनी पावरफुल है, ये भी परीक्षित प्रयोग है, तो काली मुसली की एक प्रयोग। दूसरा बात, जैसे कि कोई भाई बहन को कमजोरी हो जाती है, मतलब शारीरिक कमजोरी, जो जिस जगह में पति पत्नी संबंधित कमजोरी हो, तो उसमें भी ये काम आता है। तो इसके लिए आप इसका तो सीधा कच्चा खा लीजिए या तो इसको दूध के साथ खाना कीजिए, जैसे इसमें और मिला सकते हैं, तो एकल औषधि भी काम करता है। तो इतनी लड़ता है या कोई भी है, इसको 4-5 अगर खा देंगे तो उत्तेजना ला देता है, कम से कम वही 5-6 घंटे के बाद में शरीर में उत्तेजना लाने का काम कर देता है। इतनी ये ताकत है, मेरा खुद का अनुभव चीज़ है। जो भी बताया औषधि सब प्रैक्टिकल औषधि है। आप इसको YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं और ग्रुप के माध्यम से जो जुड़े हो वैद्य देख सकते हैं। आप सभी को राम राम।